Hello everyone, how are you all? Today is science lecture. Now we will do the exercise of chapter 9, housing and clothing. So let's start. First we write hard words. P-U-C-C-A, pakka, house, pakka house. Pakka house kise kehte hain? A house made of bricks and cement. Aisa house jo bricks aur cement se bana hota, use hum kaun sa house bolte hain? Pakka house. K-U-T-C-H-A, कच्चा हाउस किसे कहते हैं? कच्चा हाउस, a house made of mud and straw. ऐसा हाउस जो किससे बना होता है? मड एंड स्ट्रॉ से बना होता है. T-E-N-T, tent, a house made of thick clothes, एक मोटे कपड़े से टेम्परेरी बनाते हैं कुछ दिनों के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? टेंट कहते हैं. H-U-T, hut, हट जो होता है, हाउस मेड ऑफ मड एंड बॉम्बू. बॉम्बू मीन्स बांस, लकड़ी से और मड से बनाया हुआ हाउस को हम क्या कहते हैं? हट. सी ए आर ए वी ए एन, कारावन मीन्स अ हाउस ऑन व्हील्स, जिस हाउस में व्हील होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कारावन. इग्लू, हाउस मेड ऑफ आइस, आइस से बने हुए हाउस को हम इग्लू कहते हैं. श्रॉपिंग, एस एल ओ पी आई एन जी, श्रॉपिंग मीन स्लैंटिंग, इस तरह से जिसमें कोई वाटर रुकता नहीं है. पी एल ए आई एन एस, प्लेन्स मीन्स इक्वल, इक्वल प्लेस. एंड सराउंडिंग्स, एस यू डबल आर ओ यू डी आई एन जी, सराउंडिंग मीन्स नियर बाय. एस ई ए एच ओ एन, सीजन. डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, वेदर. S L A N T I N G, slanting. Pakka house, kacha house, tent, hut, caravan, igloo, sloping, plains, surroundings, season, weather and slanting. ये spellings आपको अच्छी तरह से learn करने हैं. Now question number 1, MCQs. F L A T, flat. R double O F S, roofs. R S U I T A B L E, suitable in test. Flat roofs are, flat means equal. Roofs are suitable in test. किसके लिए suitable होता है? A P L A I N S, plains. B dry areas, D R Y A R E A S, areas. And C hilly areas, या D both A and B. Yes, D both A and B. क्योंकि प्लेन्स के लिए भी फ्लैट रूफ्स होता है और ड्राई एरियाज के लिए भी फ्लैट रूफ्स ही होता है. सो हमारा डी नंबर का आंसर जो है वो राइट है. नाउ नेक्स्ट नंबर, सी ओ डबल टी ओ एन, कॉटन. सी एल ओ टी एच एस, क्लोथ्स. इन समर डैश, कॉटन की क्लोथ्स जो है समर में हमें कैसे रखते हैं? ऑप्शन ए कीप अस कूल, क्या हमें ठंडा रखते हैं? कीप अस वार्म, कि हमें गर्मी देते हैं. या प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, कि हमको रेन से प्रोटेक्ट करते हैं. या ऑल ऑफ द अबव, कि सारे आंसर राइट हैं? नो. कॉटन जो क्लोथ्स हैं जब हम समर में पहनते हैं तो समर में हमें क्या होता है? गर्मी लगती है ना, तो कॉटन के क्लोथ्स जो है हमें कूल रखते हैं, मींस ठंडा रखते हैं. सो ऑप्शन ए इज राइट, कीप अस कूल. नाउ नेक्स्ट नंबर, जी वाई पी एस आई ई एस, जिप्सीज. L I B E, live in tents, means बंजारे. Gypsies means बंजारे. कहाँ पर रहते हैं? I G L double O E, glue. B houseboat. C caravan. या D tent. तो gypsies जो होते हैं वो caravan, live in caravan. E X K I M O S, ethnos, live in tents. Ethnos कहाँ रहते हैं? ऑप्शन ए इग्लू, बी हाउसबोट, सी कारावन या डी टेंट. तो वहां पर रहते हैं यस इग्लू. सो ऑप्शन ए इज राइट. आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 2, फिल द ब्लैंक्स. अ हाउस, एच ओ यू एस ई हाउस, दैट एफ एल ओ ए टी एस, फ्लॉट्स ऑन वाटर. ऐसा हाउस जो वाटर में फ्लॉट होता है, मींस तैरता है, इज कॉल्ड अ डैश. ऐसे हाउस को हम क्या बोलते हैं? हाउस बोट. हाउस बोट क्या होता है? वाटर पे फ्लोट होता है. एच ओ यू एस ई बी ओ ए टी, हाउस बोट. नाउ नेक्स्ट है आर डबल ओ एफ एस, रूप्स. मे बी डैश और डैश. रूप्स कैसे हो सकते हैं? या तो फ्लैट या स्लोपिंग. फ्लैट रूप्स होते हैं जो ड्राई एरियाज के लिए और प्लेन्स के लिए यूज होते हैं, एंड स्लोपिंग जो होते हैं वो हिली एरियाज के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो रूप्स में भी फ्लैट एंड
स्लोपिंग रूफ्स कैसे हो सकते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं और स्लोपिंग भी। टी आर ई डबल के ई आर एस ट्रैकर्स यूज डैश एज सेल्टर्स। ट्रैकर्स क्या होते हैं, जो लंबी यात्रा करते हैं, लॉन्ग जर्नी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकर्स कहते हैं। तो वो अपने सेल्टर के लिए, रहने के लिए क्या यूज करते हैं, यस टेंट्स, कहीं पर वो टेंट बनाकर रहते हैं। टी ई एन टी एस टेंट्स, ट्रैकर्स यूज टेंट्स एज सेल्टर। नाउ नेक्स्ट नंबर आर पी ई आर एल ए एन ई एन टी परमानेंट हाउसेस मेड ऑफ डैश डैश एंड आयरन। परमानेंट मीन्स पक्का हाउस, परमानेंट हाउस हम किसको बोलते हैं, पक्के हाउस को। सो परमानेंट हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स बी आर आई सी के एस ब्रिक्स, सीमेंट सी ई एम ई एन टी सीमेंट एंड आयरन। परमानेंट हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स सीमेंट एंड आयरन। एन आइडियल हाउस, आइडियल हाउस जिसमें सारी फैसिलिटीज होती है, शुड हैव पी एल ई एन टी वाई प्लेंटी ऑफ डैश एंड डैश डैश। आइडियल है आइडियल हाउस, एन आइडियल हाउस शुड हैव प्लेंटी ऑफ सनलाइट, बहुत सारी इस पर सनलाइट होती है, धूप आती है, एंड फ्रेश एयर, और फ्रेश एयर भी ऐसे हाउस में आती है जिसे हम कौन सा हाउस बोलते हैं, आइडियल हाउस बोलते हैं। इस तरह से सारे क्वेश्चन आंसर आपको राइट करने के बाद क्या कर देना है, लर्निंग करना। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।